जब इस इंडस्ट्री में आए हैं तभी पता चला है कि कैसे काम किया जाता है, कैसे खड़ा हुआ जाता है, कैसे बोलना पड़ता है। जब मुझे खड़ा होना भी नहीं आता था, मुझे उन्होंने ही सिखाया है। अभी तक तो मेरी पहली शादी भी नहीं हुई। आपकी बातों से नाज़रीन समझे कि आप कितनी बच्ची हो। इस पे ही इतना फोकस, क्योंकि पहला विवाह पूरा नहीं हुआ। किसको कहती है पहला? दिल में अरमान है ना, जो मैं चाहती थी वो हुआ नहीं है। वो काम मंगणगे तो उन्होंने काम नहीं आएगा, फिर चम मंगणगे। आज भी मुझे नन्ही सी बच्ची समझते हैं। जो उसको काम मिलना है फिर उसने वही उसी की मेहनत का फल उसको मिलेगा, वही खाएगी वो। हम यहाँ पब्लिक को एंटरटेन करने आए हैं। अंदर लड़ाई भी हो रही होगी, जब लड़की को देखेंगे तो कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त स्टेज अदाकारा सना चौधरी मौजूद हैं। आज उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में और उनकी थिएटर की ज़िंदगी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। वस्सलाम, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। सना, सबसे पहले मेरा अक्सर यही सवाल होता है कि कैसे इस फील्ड में आई और क्यों आई? फील्ड में आना तो कोई मतलब नहीं होता, सबको पता होता है मेहनत करने के लिए आते हैं, और किस तरीके से मेहनत होती है ये आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता। नहीं, सारी आर्ट से यही कहती हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं हैरान हूँ, आप खुद बताया करें नाज़रीन को कि किस तरह की मेहनत होती है। नाज़रीन को क्या बताएं, जो हम आपने वो पूछना है वही हमने बताना है। तो क्या पूछना चाहते हैं पूछें आप। कैसे इस इंडस्ट्री में आपने कदम रखा? मैंने पहले राइट कदम रखा। ठीक है, ठीक है। तो इस इंडस्ट्री में आने का मेरा शौक़ भी था, और एक साल के लिए तो मुझे मेरे घर वालों ने घर से निकाल दिया था। मुझे ये नहीं पता था कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। उस वक्त तो मेरी सोच भी अलग थी। मुझे ये लगता था कि ये टीवी में जो आते हैं, स्टेज जो होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, बस यूं ही देखना दिखाना, हंसी मजाक, यही होता है सब कुछ। लेकिन जब इस इंडस्ट्री में आए हैं तभी पता चला है कि कैसे काम किया जाता है, कैसे खड़ा हुआ जाता है, कैसे बोलना पड़ता है, कैसे गुफ्तगू की जाती है, प्रोड्यूसर कैसा है, डायरेक्टर कैसा है, तो सब कुछ देखना पड़ता है। कैसा लगा प्रोड्यूसर और डायरेक्टर फिर आपको? प्रोड्यूसर तो मतलब कि कहा जाए तो बहुत ही अच्छे हैं, और आजकल के प्रोड्यूसर तो उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ये तो मेरे नाज़रीन भी जानते हैं कि कितने अच्छे हैं। तो मतलब कि जिनसे बात हंस के ना करो, कोई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हो तो वो पता क्या कहते हैं, यार ऐ जड़ी कुड़ी है ना, बड़ा ही नखरा इंदे विच, भावें अंदरों मरी होवे, आप ना बोलना चाहे या उन्हों अच्छा ना लगता होवे, तो वो फिर भी कहते हैं नहीं हमसे टच होके बात करें, हंस के बात करें, खुल के बात करें, यूं यूं करके बात करें। उनको वही लड़कियां अच्छी लगती हैं। तो आपके पीछे रहने की वजह क्या है? मेरी पीछे रहने की वजह है कि पीछे रहने की वजह यही होती है कि मैंने आज तक ना किसी की कहना माना है। मैं खुद अपने दिल की मालिक हूँ, और मैं अपने दिल की सुनती हूँ और अपने घर वालों की सुनती हूँ। मैं किसी के जो कोई मुझे सब्ज़ बाग दिखाएगा तो मैं उस हरियाली को सोच के, वो खेतों के फलों को सोच के अगर मैं उसके साथ चल पड़ूँगी तो आगे मेरा क्या अंजाम होगा ये मैं खुद जानती हूँ, और मुझे नज़र भी आ रहा है कि आजकल फील्ड में क्या हो रहा है। तो इस डर से मैं किसी के साथ नहीं चलती। अच्छा सर, कितना अर्सा हो गया आपको इस फील्ड में आए हुए? इस फील्ड में तो मुझे हो गया कोई 7-8 साल हो गया मुझे। 7-8 साल में आपने कौन से थिएटर से अपने काम का आगाज़ किया? मैंने कजाफी स्टेडियम से आगाज़ किया था, और वो मुख्तार चंद जो मेरे फर्स्ट भाई बने हुए हैं अभी तक, तो उन्होंने मुझे कहा था, कुछ लोग आए थे तो मैं छोटी थी उस वक्त, मुझे पता नहीं था कि किस तरीके से बात करनी है। तो अचानक ही कोई आया तो उसने मुझे समझाया कि आपने ऐसा कहना है कि वो कजाफी स्टेडियम में काफ़ी काम कर चुके हैं, आजकल तो उनका कोई नाम ही निशान भी नहीं है। बता दें नाम क्या होता है? उस वक्त तो अनवर माही थे, तो मुझे उन्होंने आगे बोला कि सना आपने पता है इनको क्या कहना है कि मैं आपको इतने सालों से जानता हूँ, तो फिर ये आप लोग आपकी ज़्यादा केयर करेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे कहने में क्या हर्ज है। तो मैंने वो आए अंदर तो उन्होंने कहा, पूछा कि तुम इसको जानती हो? मैंने कहा हाँ मैं 7-8 साल से जानती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो वो अंदर जाके बैठ गया जहाँ पे उनका कोई कंप्यूटराइज वगैरह पड़ा हुआ था, तो वहाँ पे उसने मुझे बुलाया, मैं गई। मैंने कहा जी सर क्या कहना चाहते हैं आप? उसने मेरा बाजू पकड़ लिया, मेरे हाथ पकड़ लिए। ये तो, अनवर भाई ने? हाँ जी।
उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, बाजू पकड़ लिया। ये बड़ी साल छोटी थी तब, मैं तब की बात है। तो बात तो सुनाओ बात। मैंने कहा मैं क्यों बात सुनूँ, मैं आपको जानती ही नहीं हूँ। तो कहते हैं अच्छा चलो थोड़े से बाल गीले कर लो। तो बाहर मैं जब आई तो मैंने मुख्तियार भाई को बोला, तो फिर उसने मुझे डांटा भी। उसने मुझे बोला कि आप नहीं जानती थी तो मुझे बता देती। तो पंजाबी च कहते थे कि अज तो बाद वो अपना नाला कस के बन ले, तेनों को टच नहीं करेगा, तो काम कराना तेनों मेरा काम है। ये फिक्रा क्योंकि मुख्तार चंद साहब जहाँ तक मैं जानता हूँ वो बहुत ज़्यादा बोल बोलते हैं, खुला बोलते हैं, जो दिल में होता है वही उनकी ज़ुबान में आ जाता है। पीछे हमारे चैनल पे उनका इंटरव्यू भी चला है, उसमें भी उन्होंने बड़ी खुली बातें की हैं। जैसे अभी आपने बताया कि उसने कहा जी नाला कस के बन लो, क्यों ऐसा होता है कि इस फील्ड में नाला कस के बांधने की ज़रूरत पड़े? देखें जी, कभी भी हम इस इंडस्ट्री में जब पहला कदम रखते हैं तो हर बंदे की यही होती है कि आपने फलाने बंदे से बात नहीं करनी, वो ऐसा है। दूसरे ने कहना आपने उससे बात नहीं करनी, उससे दूर रहना है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, अच्छा वो डायरेक्टर अच्छा नहीं है, आपने उससे बात नहीं करनी है। वो काम कराना तेनू मेरा काम है। दूजा कहेगा तू हाँ जानते भी नहीं, पता है कि कहेगा ये अपना नंबर लिख के दे दो, कोई भी मसला हो तो मुझे बताना। फिर जब कोई मसला आता उसके बाद फिर कभी किया ही नहीं, कभी नंबर लिखा ही नहीं, कभी दिया ही नहीं। लाहौर के अलावा आपने कहाँ कहाँ काम किया? थिएटर पाकिस्तान के जितने भी हैं मैंने सब में काम किया है। मैंने सादकाबाद में किया है, रहीम यार खान में किया है, बहावलपुर में काम किया है, लाहौर में किया है, मुल्तान में किया है, फैसलाबाद में किया है और पिंडी में किया है। पिंडी का जिक्र आया तो पिंडी के साथ आपकी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। हाँ मेरा बचपना वहीं पे गुजरा है, जब मुझे खड़ा होना भी नहीं आता था, मुझे उन्होंने ही सिखाया है। किन्होंने? पिंडी वालों ने। पिंडी वालों ने, जोर सी बात है। नहीं वो आप लफ्ज बोल रहे कि उन्होंने, तो वो आपको पता है उन्होंने वो किसी और साइड पे चला गया। अच्छा, उन्होंने, ओ सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, क्योंकि मैं सबको रिस्पेक्ट करती हूँ, सबकी इज्जत देती हूँ सबको, क्योंकि जो हमारी ये पाकिस्तानी आवाम है, पब्लिक है, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। आज भी मुझे नन्ही सी बच्ची समझते हैं। अब क्या हो नहीं, क्यों आपको नहीं लगता? अभी तक तो मेरी पहली शादी भी नहीं हुई। आपकी बातों से नाज़रीन समझेगी आप कितनी की बच्ची हो। अभी तक तो मेरी पहली शादी भी नहीं हुई, मुकम्मल नहीं हुई थी। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, इधर ही आने लगा था पिंडी के हवाले से, तो आप खुद ही बता दे। तो वो तो पिंडी में तो कई शादियाँ होती भी हैं, बल्कि डेली की शादी होती है पिंडी में एक। तो रियाल्टो थिएटर मतलब लोगों की शादियाँ करवाता भी है और ख़ुद भी करता है, तो मैं तो फ़ख्र से कहूँगी, क्योंकि वो मेरा अपना थिएटर भी कभी था, रह चुका था, तो मैं इसलिए फ़ख्र से बोल रही हूँ। तो वो कोई भी लड़की है तो वो जहाँ भी जाती है ना, उसके चेहरे पे माथे पे लिखा जाता है कि ये तेरा ही थिएटर है, जब तक तू 15 दिन इधर है, 10 दिन इधर है। तो आजकल तो हर जगह भी यही हो गया कि जब लड़की कदम रखती है तो उसका यही होता है कि ये थिएटर मेरा ही है, ये प्रोड्यूसर मेरा ही है बस। क्यों सना ऐसी चीज़ें आ गई कि प्रोड्यूसर ने अपने आप को इस लेवल तक ले आया आर्टिस्ट के साथ, जबकि जब पहले काम होता था तो मेरे के जहाँ तक मेरी नॉलेज है, हो सकता है मेरा नॉलेज गलत भी हो, कि आर्टिस्ट की प्रोड्यूसर के साथ सिर्फ मुलाकात होती थी जब ड्रामा वाइंडअप होता था उनको पेमेंट देने के लिए, और कई दफ़ा ऐसा भी होता था कि प्रोड्यूसर मिलते नहीं, हफ्ते बाद जाकर प्रोड्यूसर से मुलाकात होती। लेकिन अब जैसा आप बता रही हैं ऐसा क्यों हुआ? देखिए प्रोड्यूसर बहुत अच्छे थे, आर्टिस्ट भी अच्छे थे, काम भी बहुत अच्छा था। ये बीच में जब जैसे ही पाकिस्तान में एकदम से गुर्बत छा गई तो कुछ औरतों ने ये सोचा कि और तो कोई हमारे पास हथियार है नहीं, जिनको काम घरों की आदत नहीं थी, घर में काम करने की, उन्होंने फिर मांगने वालों को जो अच्छा लगा मांगना, अच्छा लगा उन्होंने मांगना शुरू कर दिया। जिनको ये काम अच्छा लगा मतलब कि जिसने बेड स्टार बनना चाहा वो बेड स्टार बन गई, जिसने स्टेज स्टार बनना था वो स्टेज स्टार बन गई, जिसने मूवी स्टार बनना था वो मूवी स्टार बन गई। तो इसलिए फिर वो आदमी को लत लग जाती है, तो प्रोड्यूसरों को लत लग गई थी इस चीज़ की। अच्छा जैसे आपने भी जिक्र किया कि बेड स्टार जो हैं, तो आपने 8 साल हो गया है आप काम करते हुए, पिंडी में भी आपने बहुत काम किया है जैसे ही अभी आपने एक थिएटर का जिक्र किया है, तो वो कौन सी आपकी साथी आर्टिस्ट ऐसी हैं कि जो स्टार बनने के चक्कर में बेड स्टार बन गई? देखें जी कुछ आर्टिस्ट ऐसी होती हैं कि कहती हैं कि सर मुझे जब प्रोड्यूसर कहता ना पागले जाइए, ऐ सवेरे वेखी मेन तो तू ही होना,
ਤੈਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਗਰਮ ਹੋਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਸਟਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਅਸੀਂ 50,000 ਮੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 20,000 ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਲਾਓ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਬੜੀ, ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨੇ ਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਬੜੀ ਹੋਤੀ ਲੇਕਿਨ ਉਨਕੋ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤੀ, ਇਸਮੇਂ ਕਿਤਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ? ਦੇਖੀਏ, ਪੇਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਰ ਆਪ 10,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਆਪਕੀ ਫੋਟੋ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੋ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਯਹੀ ਸੋਚਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ, ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਕੱਲੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਥੀਏਟਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ? ਅੱਛਾ ਨਾ, ਉਨਕੋ ਫਿਰ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੇਂ ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਕਾ, ਕਿ ਜਬ ਉਨਕੀ ਤਸਵੀਰ ਬੜੀ ਲੱਗਤੀ ਹੈ ਪੇਮੈਂਟ ਉਨਕੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੱਗਤੀ ਹੈ। ਅਬ ਦੇਖੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਹਰ ਤਸਵੀਰ ਬੜੀ ਲੱਗੀ, ਉਸਕੋ ਪੇਮੈਂਟ 20 ਜਾਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀਕ ਕੀ, ਉਸਮੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਰ ਲੜਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਉਨਕੋ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਜੋ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਰੱਖਣਾ ਉਸਕੋ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ, ਉਸਨੇ ਜੋ ਡਰੈਸ ਬਣਵਾਉਣੇ ਹੈ ਦੋ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਦੋ ਤੋਂ ਉਤਨੇ, ਇੱਕ ਇੰਟਰੀ ਕੇ ਲੀਏ ਗਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਉਸਕੋ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਗੀ ਇਤਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮੇਂ ਬੜੀ ਤਸਵੀਰ ਕੇ ਸਾਥ? ਦੇਖੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਫ ਫੇਸ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ੇ ਕੱਪੜੇ ਜੂਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਜੋ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਯਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਕਰੀ ਮੈਡਮ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ, ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਵਾਂਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਜਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਵੇਖ ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਤੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਕ ਐਂਡ ਡਰਾਅ ਵੀ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਨਾ, ਆਪਕੋ ਆਜ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਾ, ਉਹ ਕਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਾ, ਜੋ ਜਿਤਨੀ ਆਪ ਮੇਂ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਆਪ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਜਾਣਤੀ, ਜਿਤਨਾ ਆਪਕੋ ਡਾਂਸ ਆਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਦੇਖਾ ਹੁਆ ਹੈ ਆਪਕਾ ਡਾਂਸ, ਇਸਕੀ ਕਿਆ ਵਜ੍ਹਾ? ਦੇਖੇ, ਜਿਤਨਾ ਮੁਝੇ ਟੈਲੈਂਟ ਆਤਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਮੁਝੇ ਸ਼ੌਕ ਥਾ ਯਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋ ਖਾਬ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੇਂ, ਜੋ ਔਰਤੇ ਹੋਂ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੋਂ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਹੋਂ, ਜੋ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਵੋ ਤੋ ਕਭੀ ਪੂਰੇ ਹੋਂ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਂ, ਇਹ ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਜਾਣਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਮੁਝੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਝੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜਾਂ ਥਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣੇ ਕਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੇ ਆਪ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਹੋ ਗਏ, ਆਪ ਪਬਲਿਕ ਕੇ ਆਦਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੋ ਆਪਨੇ ਮੁਝੇ ਬੋਲਾ ਕਿ ਆਪ ਪਲੀਜ਼ ਮੁਝੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇ, ਤੋ ਅਬ ਕਈ ਲੋਕ ਨੰਬਰ ਦੇਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਫਿਰ ਉਹ ਜਬ ਲੜਕੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੁਣਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਪਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਹਾਂ, ਤੋ ਆਪ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਆ ਕਰੋਗੀ? ਤੋ ਫਿਰ ਵਹਾਂ ਪਰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਜੈਸੀ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਵਹਾਂ ਪਰ ਕਿਆ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ? ਫੋਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ ਨਾ, ਤੋ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਤੋ ਘਰ ਸੇ ਹੀ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਜੋ ਉਸਕੋ ਕਾਮ ਮਿਲਣਾ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਵਹੀ ਉਸੀ ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕਾ ਫਲ ਉਸਕੋ ਮਿਲੇਗਾ, ਵਹੀ ਖਾਏਗੀ ਵੋ। ਤੋ ਮੈਂ ਤੋ ਯਹੀ ਕਰਤੀ ਹੂੰ, ਮੈਨੇ ਤੋ ਕਭੀ ਦੋ ਕਾ ਤੀਨ ਬਣਾਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਸੇ ਮੁਝੇ ਲਾਖ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਖ ਹੀ ਲੂੰਗੀ ਮਿਹਨਤ ਸੇ, ਤੋ ਮੈਨੇ ਕਭੀ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਸੇ ਆਗੇ ਜਾਣੇ ਕਾ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇ ਸਾਥ ਆਪਕਾ ਕਾਮ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਲਗਾ, ਔਰ ਆਪ ਕਿਆ ਸਮਝਤੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕਾ ਕਿਤਨਾ ਹਾਥ ਹੈ ਡਰਾਮੇ ਕੋ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੁਆ ਕਰਤਾ ਥਾ ਉਸਕੋ ਜੋ ਅਬ ਯੇ ਬਿਗੜੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਲ ਮੇਂ ਲਾਨੇ ਕਾ? ਬਿਗੜੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਲ ਮੇਂ ਲਾਨੇ ਕਾ ਤੋ ਯੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰੋਂ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰੋਂ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਂ ਕਿ ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਲਿਖਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਵਹਾਂ ਸੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਉਨਕੋ ਤੋ ਯਹੀ ਪਤਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਲੋਕ ਵਹੀ ਡਰਾਮਾ ਚਲਾਏਂਗੇ ਜੋ ਹਮ ਦੇਂਗੇ, ਹਮਾਰੇ ਥੀਏਟਰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਹਮਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਕਿਉਂ ਬੈਨ ਹੋਏ, ਕਿ ਵਹਾਂ ਪਰ ਕੁਛ ਔਰ ਬਤਾਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਔਰ ਚਲਾ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਕੋ ਉਹਨੇ ਪਬਲਿਕ ਕੋ ਕਿਸੀ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਹੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ, ਲੜਕੇ ਹੋ, ਵੋ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਯਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਕੋ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰਨੇ ਆਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਪਬਲਿਕ ਕੋ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਭਰਪੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਤੋ ਉਸਮੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਫਸ ਵੀ ਜਾਤੇ ਹੈ ਕਭੀ ਕਭੀ, ਤੋ ਮੈਂ ਤੋ ਯਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਯਹੀ ਹੁਆ ਹੈ, ਤੋ ਮੁਝੇ ਤੋ ਯੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜੋ ਖਿਚੜੀਆਂ ਬਣਾਤੇ ਅਬ ਹਮੇ ਹਮੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੁਲਾਤੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਗੀ, ਜਬ ਲੜਕੀ ਕੋ ਦੇਖੇਂਗੇ ਤੋ ਕਹੇਂਗੇ ਐਸੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਸਾ ਹਮੇ ਕੋਈ ਜੈਨੂਅਨ ਬਾਤ ਬਤਾਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਯੇ ਲੋਕ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੋ ਸਮੇਟਤਾ ਹੂੰ, ਮੈਸੇਜ ਕਿਆ ਦੇਂਗੀ ਆਪ ਜੋ ਨਏ ਆਉਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੈਸੀ ਫਨਕਾਰ ਆਏ ਇਸ ਫੀਲਡ ਮੇਂ ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੇ ਲੀਏ?
ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਰਦੂ ਚ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪਹਿਲੇ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਰਨੈਸ਼ਰ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹਲੇ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਇਸ ਪੇ ਹੀ ਇਤਨਾ ਫੋਕਸ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਕੋ ਕਹਤੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ, ਦਿਲ ਮੇ ਅਰਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹਤੀ ਥੀ ਵੋ ਹੁਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ, ਤੋ ਵੋ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਲਾ ਆਪਣਾ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਵਿਖਾਣਾ, ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਭੈਣ 'ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਉਹ ਕੰਮ ਮੰਗਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਚੰਮ ਮੰਗਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਉਰਦੂ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੋ ਕੇ ਲਈ ਤੂੰ ਇਹ ਬਾਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੂੰ ਇਹੀ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਰਾਤ ਗਈ ਬਾਤ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਉਨਕੋ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੁਝੇ ਯਹਾਂ ਬੁਲਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੁੱਖੋਂ ਪੇ ਨਮਕ ਡਾਲਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਵੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ। ਤੋ ਆਪਨੇ ਸਨਾ ਕੀ ਬਾਤੇਂ ਸੁਣੀ ਔਰ ਇਨ ਬਾਤੋਂ ਮੇਂ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਖਰੀ ਖਰੀ ਬਾਤੇਂ ਕੀ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪਕੋ ਉਨਕੀ ਯੇ ਖਰੀ ਖਰੀ ਬਾਤੇਂ ਪਸੰਦ ਆਏਂਗੀ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਕੇ ਲੀਏ ਮੁਝੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।